नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे कुछ 10 प्लांट के बारे में जिसे आप बहुत दिन तक अगर वाटरिंग ना भी करो तो वो सरवाइव कर जाता है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे ऑर्नामेंट प्लांट है, लेकिन मैं इस वीडियो पे 4 ऑर्नामेंट प्लांट और 6 फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगा जो बहुत दिन तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले जो प्लांट आपके सामने है ये है एडेनियम के प्लांट, इसे रेगिस्तानी गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को अगर आप एक बार लगाओ आपके गार्डन में तो इसे ना ही पेस्ट का अटैक होता है ना ही ज्यादा वाटरिंग की जरूरत पड़ता है। आप महीनों तक इसे वाटरिंग ना भी करो तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है पूरे समर सीजन के दौरान। कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं और सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को आप आपके गार्डन में शैलो पॉट पे जरूर ग्रो कीजिए और ज्यादा देखभाल के भी जरूरत नहीं है इस पौधे को। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है प्लूमेरिया पुदीका। ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे भी किसी प्रकार पेस्ट का अटैक होता नहीं है और ना ही ज्यादा पानी की जरूरत है। 10 या 15 दिन तक अगर आप इसे वाटरिंग ना भी करो तो ये प्लांट सरवाइव कर जाता है बहुत ही अच्छे से। समर सीजन के दौरान आप अगर हफ्ते भर पानी ना दो तो भी प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं इसमें पानी रहते हैं, पानी स्टोर रहता है, तो इसलिए ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं है। इस पौधे पे ऊपर की साइड से स्टेम निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं और ऊपर में गुच्छों में फ्लावरिंग होते हैं व्हाइट कलर के। थोड़ी सी बड़े पॉट में लगाने की जरूरत है और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को आप आपके गार्डन में जरूर लगाइए, पेस्ट फ्री प्लांट है और लो वाटरिंग प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है इस लिस्ट पे वो है यूफोर्बिया मिली। कांटे होते हैं इस प्लांट पे, कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। आप अगर इसको 7 दिन तक वाटरिंग ना भी करो तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है, गुच्छों में फ्लावरिंग होता है। और इसके जो खास बात है, इस प्लांट पे अगर एक बार फूल खिल जाए तो बहुत दिन तक रहते हैं प्लांट पे, पूरे साल भर ये फ्लावरिंग करते हैं। ज्यादातर खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पेस्ट फ्री प्लांट है और आप इसे छोटे से छोटे गमले के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे कलर्स पे आते हैं, तो इसलिए आप इसे बेल्कोनी के अंदर भी छोटे से पॉट पे ग्रो कर सकते हो। लेकिन इस प्लांट को धूप की जरूरत है, 4 से 5 घंटे की धूप मिले ऐसे जगह पे आप इसे ग्रो किया कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है जो बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव करता है फूल धूप में भी, वो है प्लूमेरिया एल्वा। इसे आप 7 से 10 दिन तक पानी ना भी दो तो भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, सरवाइव करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। और अगर समर सीजन के दौरान आप अगर 5 से 7 दिन तक भी वाटरिंग ना करो तो भी प्लांट अच्छे खासे सरवाइव कर जाता है। इस प्लांट पे भी बहुत सारे गुच्छों में फ्लावरिंग होते हैं, बहुत सारे कलर्स पे आते हैं और फ्लावर से बहुत सुंदर धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलते है। पॉट पे आप इसे ग्रो कर सकते हो। इसके लीव्स जो होते हैं बहुत ही लंबे टाइप के होते हैं, जिसे देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आपके सामने है जो बिना पानी के बहुत दिन तक रह जाता है, ये है इग्जोरा। समर सीजन में मतलब गर्मी के मौसम में आप अगर 3-4 दिन तक वाटरिंग ना करो तो भी ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, और बरसात और विंटर सीजन में आप अगर हफ्ते भर भी इसे वाटरिंग ना करो तो भी प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर जाता है। बहुत सारे कलर्स पे आते हैं, छोटे से पॉट पे मतलब 10 इंच पॉट पे आप इसे ग्रो कर सकते हो। प्लांट ज्यादा लंबा नहीं होता है, गुच्छों में फ्लावरिंग होता है और एक पेस्ट फ्री प्लांट है। कटिंग से और सीड से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को भी आप आपके गार्डन में या फिर आपके बेल्कोनी पे भी ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्लांट है जो बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव करते हैं, ये है लिली के प्लांट। एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं बहुत ही कम समय के अंदर, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं प्लांट और एक स्टिक की तरह निकलता है और उसमें फ्लावरिंग होते हैं। एक स्टिक में मैक्सिमम 3 या 4 फ्लावर होते हैं जो बहुत दिन तक रहते हैं प्लांट पे। तो इस प्लांट को भी आप बहुत ही कम वाटरिंग दीजिए तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है।
और इसे आप 10 से 12 इंच पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत से बहुत सारे कलर्स के वैरायटीज पे ये फ्लावरिंग करते हैं। आप इसे ऐसे जगह पे ग्रो किया कीजिए जहाँ पर दिन भर की 3 से 4 घंटे की धूप मिले, क्योंकि ये एक समर सीजन वाले प्लांट है। पूरे समर सीजन में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो गया 6 फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव कर पाता है। और अब मैं 4 ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जो ऑर्नामेंट प्लांट है और ये भी बहुत दिन तक सरवाइव करता है, मतलब ग्रो होते रहते हैं बिना पानी के। तो पहले जो प्लांट है यह स्नेक प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला एक प्लांट है, बहुत सारे वेराइटीज पे आते हैं। ये एक ऑर्नामेंट प्लांट है, आप 10 से 15 दिन तक अगर वाटरिंग ना करो तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है और इसका ग्रोथ चलता रहता है। आप इसे घर के अंदर ग्रो कर सकते हो, पूरे दिन भर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही एक इंडोर प्लांट है, बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है, घर के अंदर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो ये भी बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं, छोटे से पॉट पे आप इसे ग्रो कर सकते हो। इसके ड्वार्फ वैरायटी भी होते हैं जो ज्यादा बड़ा होता नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है डिफेनबाकिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है। 5 से 7 दिन तक आप इसे वाटरिंग ना भी करो तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इसे आप घर के अंदर ग्रो किया कीजिए और अगर आप धूप में रखते हो तो भी ये प्लांट अच्छे से सरवाइव करता है। घर के अंदर आप 7 दिन तक वाटरिंग ना भी करो तो भी इस प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से चलता रहता है। ये एक ऑर्नामेंट प्लांट है तो इसलिए इसे पेस्ट का अटैक होता नहीं है, बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है और आप इसे 8 से 10 इंच पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। मेरा प्लांट कटिंग से ग्रो किया हुआ है तो कटिंग से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो पौधा आपके सामने है जो ऑर्नामेंट प्लांट है, ये है अम्ब्रेला पाम। बहुत खूबसूरत सा इसके लीव्स है और एक साथ गुच्छों में बहुत सारे नए नए से स्टेम निकलते हैं नीचे की साइड से। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा प्लांट एक 6 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है, 2 साल से इसी पॉट पे है और देखिए कितना सुंदर लगते हैं ये। इसे आप घर के अंदर ग्रो कर सकते हो, घर के अंदर अगर आप इसे रखते हो तो 8 से 10 दिन तक अगर आप इसे वाटरिंग ना भी करो तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है, मतलब ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं है इस पौधे को भी। बहुत सुंदर सा एक इंडोर प्लांट है तो इसे आप आपके घर के अंदर के लिए जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो पौधा है ये है एलोकेशिया, इसके भी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये भी इंडोर प्लांट है या फिर आप इसे आउटडोर भी ग्रो कर सकते हो। इंडोर पे इसे 10 से 15 दिन तक वाटरिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, इसके लीव्स बेहद खूबसूरत है। 6 से 8 इंच पॉट के अंदर आप इसे ग्रो कर सकते हो। एक प्लांट अगर आप लगाओ तो एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं एक साल के अंदर। पूरे साल भर ग्रोथ होने वाले प्लांट को आप घर के अंदर जरूर ग्रो कीजिए। ये एक पेस्ट फ्री प्लांट है, लो केयरिंग प्लांट है, इंडोर प्लांट है और आप इसे बेलकोनीज पर भी रख सकते हो छोटे पॉट के अंदर। बेहद खूबसूरत दिखने वाला इस प्लांट को आप नर्सरी से खरीद सकते हो, 30 से 40 रुपए के अंदर एक प्लांट आपको मिल जाएगा। और अगर इन सब पौधे की खाद की बात करूं तो बहुत ही कम खाद देने की जरूरत है इस सब प्लांट को। मैं मेरे सभी प्लांट को मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर बना के देता हूं, या फिर आप अगर इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप DAP और पोटाश का मिक्स दे सकते हो, या फिर आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून 12 इंच पॉट के लिए काफी है, हर 15 दिन के अंतराल पे आप ये खाद दे सकते हो। तो दोस्तों, ये तो था कुछ प्लांट। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।